इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पीटन को जो एक जगह देखते हैं जहाँ पे वो खड़े होकर आराम से जो अपना सिगरेट पी रहा होता है। तभी जो है पीटन को जो है गुबा कहता है कि बिग ब्रो। तभी जो है पीटन उस तरफ देखता है, तभी जो है गुबा भागते हुए आता है और पीटन को हक करता है और कहता है कि वो वापस आ गई, वो मेरे लिए वापस आ गई। कितना अच्छा है ना, जो जाओ है जाओ वो जो है एरोप्लेन से अब यहाँ पर वापस आ गई है। हाँ, और वो जो है उसने अपना जो है रूम नंबर भी जो है मुझे दे दिया है। और जो गुआ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहा होता है और ये सुन के जो है पीटन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो सिगरेट होती है उस सिगरेट को अपने मुट्ठी में जो दबा लेता है गुस्से की वजह से और कहता है अच्छा तो कौन से होटल में जाना, चलो मैं तुम्हें जो है छोड़ देता हूँ। लेकिन बेचारा पीटन बहुत ही गुस्से में होता है। तभी जो है जो गुबा हुआ वो कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि जो जाओ है वो जो है मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, वो चाहती कि मैं कैंडल्स को हाँ बुझाऊँ, तो पहले मुझे जो है यूँ ही जाना पड़ेगा। फिर हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पीटन जो है वो गुबा को छोड़ देता है। तो गुबा कहता है कि बिग ब्रो क्या आप जो है थोड़ा फ्री तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, आप केक भी खा के जाना, ओके बिग ब्रो। तभी जो है बेचारा पीटन तो ऐसे ही सैड होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो आ गई गुबाओ की, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास जो है टाइम नहीं है और मुझे जो है कल जल्दी भी जाना है, अगर मैं लेट हो गया तो कल जल्दी मैं नहीं जा पाऊँगा। तो गुबाओ कहता है कि ओके बिग ब्रो तो आप सेफली जाना और मैं जो है फिर घर आऊँगा तो फिर आपके साथ फ़न करूँगा। हाँ, और फिर जो गुबाओ है वो अपने फ्रेंडों के साथ चला जाता है और पीटन उसको जाते हुए देखता है और पीटन जो है बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और अपने हाथों को भी देख रहा होता है। तभी जो है पीटन जो है अपने कार की जो डिक्की है उसे खोलता है जिसमें जो है पीटन ने गुबाओ के लिए बहुत ही अच्छा उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज़ रखा होता है, जिसमें उसके लिए टेडी बियर होता है, केक होता है, फ्लावर्स होते हैं। तभी जो है लेकिन पीटन इतना सैड होता है कि गुबाओ तो चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और जो है पीटन उस केक को खाता है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जितने भी गिफ्ट लाया था उस सारा डस्टबिन में फेंक देता है और गुस्से में जाता है और कहता है कि पीटन अगर तू कर के रहा है तो भूल गया तू कौन है। और सच्ची में गाइस एक प्यार एक तरफ का प्यार ना बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि जो भी है सारी चीज़ें हम सिर्फ अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं आगे वाले पर्सन के लिए। तो बीच सीन जो शिफ्ट होता है हम जो है पीटन को उसको अपने घर पे देखते हैं जहाँ पे वो जो है अपने हाथ पे बैंडेज कर रहा होता है और एक तरफ सिगरेट पी रहा होता है, क्योंकि गुस्से में जो उसने अपने सिगरेट को अपने हाथों में दबा लिया था उससे हाथ जो है जल गए हैं। तभी जो है पीटन अकेले अपने घर में बैठा होता है और तो सोचता है कि कितनी ज़्यादा शांति है ना, कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं, अकेला इंसान बहुत ये सब सोचता है। तभी जो हम देखते हैं कि वहाँ पे गुबा होता है और कहता है कि बिग ब्रो ये बालकनी में इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है, आपने लाइट क्यों नहीं ऑन कर रखी। तो अभी जो है पीटन कहता है कि एक्चुअली बालकनी का कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, तो लाइट ऑन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो है गुबा कहता है पर यहाँ से कितने अच्छे स्टार्स दिख रहे हैं ना, क्यों ना हम स्टार्स को यहाँ लगाए, अपने घर में क्यों ना लगाए। तो ये सुन के जो है पीटन गुबाओ को देखता है और कहता है ओ अच्छा तो कहाँ पे तुम्हें स्टार्स दिख रहे हैं, ज़रा तुम मुझे बताओगे। तो ये सुन के जो है गुबाओ कहता है हाँ बिग ब्रो बस आप जो है 2 मिनट वेट करो। तभी जो है पीटन जो है मार्केट वाले जो स्टार्स होते हैं उसको दिखाता है और कहता है बिग ब्रो ये देखो स्टार्स, अब तो आप जो है इसे यहाँ पर लगा सकते हैं ना। तो ये चीज़ जो है और पीटन जो है बस सोच रहा होता है, ये सब पुरानी चीज़ें गुबाओ को याद कर रहा होता है और मन में सोचता है कि पीटन तो उस पेन को कैसे भूल सकता है और तुझे क्या लगता है कि तू जो है उसके साथ कुछ भी कर सकता है अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसके साथ। हाँ, तो भूल गया कि आखिर तू क्या है। और जो है मन में सोचता है कि गुबाओ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गुबाओ होता तभी यहाँ पे रहने में अच्छा लगता है। और वैसे भी गुबाओ इस समय क्या कर रहा होगा, वैसे भी वो जाओ के साथ ही होगा। तभी जो है गुबाओ आता होता तभी ब्रो और कहते हैं कि है, मुझे लगा आप सो रहोगे पर मिस वू ने बताया कि आप अभी भी जग रहे हो, तो आप इतनी जल्दी वहाँ से क्यों आ गए, आपने केक भी नहीं खाया। और जो है गुबाओ जो अपने साथ केक लेकर आया होता है तो पीटन जो गुबाओ को देखता है वो शॉक्ड रहता है और कहता है कि तुम हाँ। तभी जो है गुबाओ कहते हैं कि क्या हुआ, आप तो ऐसे दिख रहे हो जैसे आप किसी भूत को देख रहे हो, क्यों मैं क्यों नहीं, और वैसे भी अभी जो है मैं 17 साल का हूँ, आपको क्या लगता है मैं अब और ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ पहले से। हाँ, और जल्दी करो बिग ब्रो अभी बस
थोड़ा सा ही टाइम रह गया, फटाफट से लाइट जो है बंद करो, अभी जो है अभी आधी रात है, अभी भी मेरा जो है बर्थडे चल रहा है और मैं जो अपना बर्थडे विश है वो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। पीटेन जल्दी लाइट ऑफ करो। तभी जो है पीटेन जो है वो कुबाओ के गालों को खींचता और ये देख के जो है कुबाओ कहता है कि क्या करो छोड़ो मुझे। तभी जो है पीटेन मन में सोचते कि क्या ये सच है, मुझे लगा कि मैं कुबाओ को मिस कर रहा हूँ इसलिए मुझे जो अभी भी कुबाओ दिख रहा है। तभी जो है कुबाओ अपने गालों को टच करता और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, मैं जो है अपना विश जो है तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। फाइनली जो है अब पीटेन की जो है फेस पे स्माइल आती है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हें किसने कहा है कि अपने विश को जो है किसी के साथ शेयर करो। तभी जो है पीटेन जो गुबा हुआ कहता है अच्छा ये सब छोड़ो और मैं काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3 और तुम जो है फटाफट से विश मांगो। तो वो गिनता है और फिर जो है गुबाओ भी विश मांगता है और पीटेन जो गुबाओ को ही देख रहा होता है। हाँ तभी जो है गुबाओ कहता है कि तुमने क्या विश मांगी, तो पीटेन कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। तो गुबाओ जो है वो कहता है कि तुम कैसे हो, तुम मुझे बता नहीं सकते पीटेन। तभी जो है पीटेन कुछ नहीं बोलता और मन में सोचता है कि मैंने विश किया कि तुम हमेशा जो है मेरे साथ ही रहो, जैसे अभी के जिस तरीके से तुम अभी हो, मैं ज़्यादा ऐसे हमेशा जो है तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। फिर सीन जो है वो शिवप्रथम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों जो है खड़े होते हैं। तो गुवाओ जो है वो कहता है कि चलो अब जो है तुम जो थोड़ा केक खा लो। तो फिर जो है हम देखते हैं पीटेन केक खा रहा होता है, तो वो कहता है कि अच्छा ये तुम केक कहाँ से लाए हो। हाँ तभी जो है गुवाओ कहता है क्या तुम्हें पसंद आया क्या, मैंने जो है अपने क्लासमेट से बोला था तो उसने मेरे लिए ऑर्डर करवाया ये केक, तुम्हें पसंद आया ना ये वाला केक। तभी जो है जो गुबाओ वो खा के आराम से सोफे पे लेट जाता है। तभी जो है जो पीटेन है वो पूछता है कि जो जाओ कहाँ है, हाँ तुम यहाँ पे क्यों आ गए थे। तभी जो है गुबाओ कहता है कि क्या, हाँ मैं जाओ के साथ वो होटल पे ही था और आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और ऊपर से हाँ आज मेरा बर्थडे है, मेरी मॉम ने मुझे जन्म लिया और मैं 17 ईयर्स का हूँ तो मुझे भी तो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना ही है ना, और हाँ और तुमने भी केक खाया नहीं था। तभी जो है पीटेन का थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा तो तुम जाओ जाओ के साथ उसके साथ वो रुके कि नहीं होटल में। हाँ तो ये सुन के जो है गुबाओ कहता है कि आखिर सबको हो क्या गया, सभी मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और वैसे भी उस होटल रूम में मैं जाओ जाओ के साथ के था और उस होटल रूम में एक ही बेड था, तो क्या मैं काउच पर सोता, और मन में सोचता मैं काउच पर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहता था। हाँ उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो गुबाओ है वो काउच पे बैठा होता है, मन में सोचता है बिना वाईफाई के बैठना ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी जो हम देखते हैं कि जाओ जो है जाओ आती है और गुबाओ कहते हैं क्या हुआ, तो वो पूछती है अच्छा बताओ इस दोनों में से कौन सा तुम्हें अच्छी लग रही है। तो गुबाओ कहते हैं ये वाइट वाला जो है तुम्हारे स्किन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो जो है जाओ कहती है कि ठीक है अब जो है जो भी मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद है मैं वही लूँगी, उसकी पसंद का ही मैं लूँगी। हाँ उसके बाद जो है वो लोग जा रहे होते हैं। तभी जो गुबाओ कहता है कि अच्छा जाओ तुम यहाँ पे आई हो तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है, तो वो कहती है कि हाँ मेरे पेरेंट्स को पता है, वो मेरे को जो है दिन में 2-3 बार कॉल कर चुके हैं, वो मुझे जो है घर बुला रहे हैं। हाँ तभी जो है जो गुबाओ वो कहता है अच्छा ठीक है तो कोई बात नहीं, एक काम करो तुम्हारे पेरेंट्स बुला रहे तो तुम जो है घर पे जाओ अपने पेरेंट्स से मिलो। तो जो है जाओ कहती है कि तुम ऐसा होटल रूम में क्यों नहीं रुकना चाहते, तो गुबाओ कहता है कि नहीं मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए है ना। तो वो कहती है कि ठीक है, तो वो बोलती है कि अच्छा गुबाओ क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे आज। हाँ तभी जो है जो गुबाओ वो कहता है कि देखो अब तुम चाहती थी कि तुम जो है मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करो तो तुमने कर लिया ना, अब तुम इतना दूर चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है अच्छे तरीके से रेस्ट करो और मुझे जो है अपने थोड़ा घर भी जाना है, मुझे अपने मम्मी से टाइम स्पेंड करना है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है पर तुम जो है मुझे मिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ और मन में सोचती है कि जो भी मैं गुबाओ के बारे में सोच रही हूँ शायद वो गलत है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जाओ जाओ कार में बैठ के जाती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। फिर जो है गुबाओ जो है जाओ जाओ को बाय बोलता है और वो वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है ये ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिए। बाय।